नमस्कार। आज आपको एक्सरसाइज 6.1 जो डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत आता है और इसमें जो डिफरेंशियल फार्मूले यूज होते हैं उनका एप्लीकेशन इन वर्ड्स प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में कराया जा रहा है। पहले मैंने 6.1 के कुछ क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कराए हैं जो पिछले वीडियो में था, उसमें 1, 2, 3, 4 सिक्वेंस में जो क्वेश्चन थे उनको मैंने कराया था। अब इसके बाद उसी के बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आ रहा हूं इस वीडियो में, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और इसी 6.1 का भी क्वेश्चन है आपका 10। यहां पर ये क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम वाला, द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड वाइड विद वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर व्हेन एक्स इक्वल 8 सेंटीमीटर एंड वाई इक्वल 6 सेंटीमीटर फाइंड द रेट ऑफ चेंज द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहां पर ये जो प्रॉब्लम है सॉल्यूशन आंसर, यहां पर पहले आपको एक रेक्टेंगल दिया गया है और ये रेक्टेंगल इस फॉर्म में है, ये वाई है और ये एक्स है। अब यहां पर रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जबकि जो वाइड है वाई वो इंक्रीज हो रहा है, मीन से वो इस तरह से कन्वर्ट हो रहा है। इस तरह से वाई का पोर्शन इंक्रीज हो रहा है और जबकि एक्स का पोर्शन डिक्रीज हो रहा है। ये न्यू कंडीशन आ रही है, ये एक्स है डिक्रीज हो गया है और वाई इंक्रीज हो रहा है, और उस समय जब एक्स की वैल्यू 8 है और वाई की वैल्यू 6 है, यहां पर ऐसा गिवन है एक्स 8 है और वाई 6 है, तो आपको रेट फाइंड करना है पैरामीटर का और एरिया का। तो आपको पहले मैं जो गिवन है वो इस रूप में लिखना चाहता हूं, जैसे रेक्टेंगल का लेंथ यहां पर डिक्रीज हो रहा है और लेंथ जब डिक्रीज होता है तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल माइनस 5 सेंटीमीटर पर मिनट, ये माइनस का साइन लेके डिक्रीज में, जबकि जो वाइड है वाई वो इंक्रीज हो रहा है, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल इंक्रीज होने का रेट है 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ये ऐसा गिवन है, ये गिवन के रूप में है। और साथ में आपको x इक्वल 8 सेंटीमीटर और y इक्वल 6 सेंटीमीटर गिवन है। आपको फाइंड करना है dp अपॉन dt और dA अपॉन dt, ये एरिया फाइंड करना है आपको। और ये चीज आपको पहले से मालूम है P इक्वल 2 एल प्लस बी और एरिया मालूम है आपको L इंटू बी, तो P पैरामीटर 2 एक्स प्लस वाई, तो dP अपॉन dt फाइंड हो जाएगा आपको। यहां पर जब आप डिफरेंशिएट करेंगे dP अपॉन dt, तो डिफरेंशिएट करने से 2 dx अपॉन dt और यहां पर dy अपॉन dt, वैल्यू पुट करेंगे dx अपॉन dt माइनस 5 और dy अपॉन dt 4, माइनस 5 प्लस 4 यहां पर माइनस 1 आएगा और ये 2, तो आपका आंसर जाएगा माइनस 2, माइनस 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ये आपका आंसर है। यहां पर आप एरिया जो लेंथ है वो आपके लिए x है और ब्रेथ इनटू का साइन है यहां पर और ये y,
जब आप डी ए अपॉन डी टी फाइंड करेंगे तो यहां पर एक्स और वाई का प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा यूज होगा, तो एक्स का डिफरेंशिएट किया जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, तो वाई का नहीं करेंगे आप, और जब आप एक्स का नहीं करेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी का होगा डिफरेंशिएट, ये बारी बारी डिफरेंशिएट होता है। अब डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आपको माइनस फाइव है, इंटू वाई की वैल्यू है आपके पास सिक्स, फिर एक्स की वैल्यू है एट, और वाई की वैल्यू डी वाई अपॉन डी टी वैल्यू है फोर, ये हो गया माइनस थर्टी और ये है थर्टी टू प्लस थर्टी टू, तो आपको इस बार आंसर आ रहा है प्लस टू, ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से ये सॉल्व करने का आसान तरीका है, आपको माइनस और प्लस का यूज करना जरूर सीखना है, क्योंकि जब आपको डिक्रीजिंग मारा है तो माइनस और इंक्रीजिंग मारा है तो प्लस, ये वैल्यू को हमने यहां पुट किया और ये सॉल्व हो गया है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में यहां पर एक लैडर है जो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, एक लैडर जो इस तरह से है, ये लैडर है पहले से वॉल में है और ये आप वॉल बना सकते हैं सर, ये दीवार पर ये लैडर बनी हुई है और ये यहां पर 5 मीटर लॉन्ग है, 5 मीटर यहां पर लॉन्ग है ये, जिसमें आपको कंडीशन दी गई है देखिए आपका क्वेश्चन, ये जो लैडर बना हुआ है 5 मीटर लीनिंग और इस कंडीशन में आपको इसे इस तरफ पुल किया जाता है, तो ये जो लैडर है ये जब आगे बढ़ेगा तो न्यू कंडीशन में आ जाएगा और ये इस तरह से ये पोजीशन हो जाएगी इसकी, ये लैडर ये जो है 5 इस तरह से आ जाएगा, यहां पर बता देता हूं मैं, इस तरह से ये डाउन होगा तो यहां इंक्रीज होगा और ये डाउन हो जाएगा, तो न्यू सिचुएशन में ये बन सकता है, तो ये पुल कर रहे हैं लैडर को। अब यहां पर वॉल द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से आप इसको बढ़ा रहे हैं, यदि ये वाई है और ये एक्स है तो यहां पर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 5 स्क्वायर है, और साथ में हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द वॉल इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यदि दीवार से 4 मीटर दूर है, दीवार से यदि 4 मीटर दूर है तो यहां पर x की वैल्यू 4 मीटर लेते हैं तो देखते हैं y कितना प्राप्त होता है आपको, 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 25, तो y स्क्वायर 25 माइनस 16 तो 9 और y इक्वल 3 मीटर ये प्राप्त हो जाता है y की वैल्यू। अब आपको जो ये लिखा हुआ है पुल अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया गया है, तो आपको ये भी गिवन में है डी एक्स अपॉन डी टी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब फाइंड करना है कि आपको डी वाई अपॉन डी टी ये किस रेट से नीचे डिक्रीज हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर से एक बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25 लिया जाएगा और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी
डी वाई स्क्वायर अपॉन डी टी, और यहां जब आप डिफाइन करेंगे जीरो, तो इसका डिफाइन करेंगे तो टू एक्स और डी एक्स अपॉन डी टी लिखेंगे, यहां पर टू वाई और डी वाई अपॉन डी टी इक्वल जीरो। अब वैल्यू पुट करेंगे, टू कैंसिल भी हो जाएगा, टू का डिवाइड कर देंगे साथ में, तो या फिर टू और एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू फोर है, इंटू डी एक्स अपॉन डी टी टू है, फिर टू वाई की वैल्यू थ्री आ चुकी है, और डी वाई अपॉन डी टी इक्वल जीरो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो टू फोर जार एट, टू जार सिक्सटीन, और यहां टू थ्री जार सिक्स, तो सिक्स डी वाई अपॉन डी टी यहां पर आ जाएगा सिक्सटीन प्लस सिक्स डी वाई अपॉन डी टी इक्वल जीरो। और सॉल्व करने से आपको आंसर मिलेगा डी वाई अपॉन डी टी इक्वल माइनस सिक्सटीन, पहले ट्रांसफर होगा फिर सिक्स अपॉन में जाएगा, और इस तरह से माइनस एट अपॉन थ्री, माइनस एट अपॉन थ्री सेंटीमीटर पर सेकंड प्राप्त हो जाएगा, ये आपको आंसर मिलेगा। ये इस तरह से ये प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर सेवन और क्वेश्चन नंबर टेन सॉल्व हो गया है। अब इसी एक्सरसाइज का एक प्रॉब्लम और सॉल्व कराएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसमें। ये एक्सरसाइज जो आपके 6.1 चल रही है, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है अब इसके बाद। तो इस क्वेश्चन में आपको ये सॉल्व करने के लिए एक बैलून है जो कि स्फेरिकल शेप का होता है, और ये वेरिएबल डायमीटर रखता है, तो डायमीटर को डी से शो करेंगे। डी इक्वल आपको दिया गया है थ्री अपॉन टू टू एक्स प्लस वन। ये आपको फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और आपको फाइंड करना है डी वी अपॉन डी एक्स, ये फाइंड करना है। तो यहां पर आप रेडियस के रूप में लिखेंगे पहले, तो रेडियस आपका हो जाएगा वन अपॉन टू इंटू थ्री अपॉन टू टू एक्स प्लस वन। ये तो रेडियस बन गया यहां पर थ्री अपॉन फोर टू एक्स प्लस वन, ये रेडियस हो गया। अब आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो डी वी अपॉन डी एक्स ये लिखा हमने पहले, और डी और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यूब ये होता है। तो आप क्या करेंगे कि डी अपॉन डी एक्स में लिखेंगे, और वी की वैल्यू यहां पर फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यूब लिखते हैं। अब इसका जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आर के रिस्पेक्ट में पहले करना पड़ेगा, तो फोर अपॉन थ्री पाई बाहर रहेगा, डी आर क्यूब अपॉन डी आर और डी आर अपॉन डी एक्स ये लिखा आपने। अब आपको आर की वैल्यू थ्री अपॉन फोर टू एक्स प्लस वन रखा आपने, तो फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यूब का आर के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएट होगा वो थ्री आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर थ्री अपॉन फोर और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो टू एक्स का वन और एक्स का वन हो जाएगा, और ये जो नंबर वन है इसका जीरो हो जाएगा। यहां पर थ्री से थ्री ये कैंसिल हो जाएगा, फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा। अब आपको आर की वैल्यू पुट कर देंगे, आर इक्वल थ्री अपॉन फोर टू एक्स प्लस वन है, तो यहां पर आर की वैल्यू थ्री अपॉन फोर और टू एक्स प्लस वन ये रखा हमने, और यहां स्क्वायर और थ्री और ब्रैकेट में यहां पर टू आ रहा है।
इस तरह से आप देखिए कि 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 जा 27 अपॉन यहां पर हो रहा है 4 का स्क्वायर 16 पर 16 हो रहा है यहां पर, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप ले लेते हैं 9 अपॉन 16 टू एक्स प्लस 1 स्क्वायर इंटू 3 और यहां पर 2 है, ये 2 से ये 8 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। अब आपको आंसर मिल रहा है यहां पर 3 9 या 27 अपॉन 8 पाई 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये आपका आंसर सॉल्व हो जाता है। ये एक्सरसाइज 6.1 का इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के लिए आपको यहां पर ये dv अपॉन dx प्राप्त हो गया है, ये x के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम का स्पेयर का जो वॉल्यूम है उसका x के रिस्पेक्ट में ये सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको 6.2 एक्सरसाइज जो है जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर के सम्स रहेंगे उनको सॉल्व कराया जाएगा। थैंक यू।